अजीज दोस्तों और साथियों, 15 अगस्त तालिबान के लिए एक विन विन सिचुएशन बनी। तालिबान ने चंद माह के अंदर अंदर हर जानब, हर सिमत से, यानी कि बॉर्डरिंग एरियाज से, जो बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ लगते हैं और वो जो बॉर्डर्स ईरान और सेंट्रल एशिया के साथ लगते हैं, उन बॉर्डर्स से अपनी पेशकदमी शुरू की और यकायक इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जो अशरफ गनी की जो के जो फोर्सेस थे, जो अमेरिका की सपोर्ट से वो 3 लाख से ज्यादा अफवाज थी जिनकी तरबियत हो चुकी थी, प्रॉपर उनकी तरबियत, उन पे बड़े पैसे खर्च हो चुके थे, उनको पसपा होना पड़ा तालिबान के हाथों। और यकायक वो 15 अगस्त को काबुल जो है फॉल हुआ, काबुल को टेक ओवर किया, और जब से अफगानिस्तान के अंदर एक गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक तहकीक है, वो आपसे शेयर करता चलूं। 20 सालों के अंदर $2 ट्रिलियन खर्च हुए हैं। वैसे तो आम जो मीडिया को मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स हैं उसमें ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 1 ट्रिलियन से जायद रकम खर्च हो चुकी है। रिजीम चेंज के हवाले से बात थी और उसके अलावा अफगानिस्तान में अफगान फौज को खड़ा करना था, वहाँ की जो सिविल इंतजामिया थी उसको खड़ा करना था, इसी तरह से पुलिस को बेहतर बनाना था और गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को बेहतर करना था। जो डायरेक्ट जो डॉलर्स आए अफगानिस्तान के अंदर 800 बिलियन से जायद, 83 बिलियन डॉलर्स जो है सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर जो फौज है उनको ट्रेन करने के लिए खर्च किए गए, और उसके साथ जो अमेरिकन अफवाज का जो नुकसान हुआ, जो मारे गए अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन, उनकी तादाद बनती है 2448। तकरीबन 4000 सिविलियन जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको मारा गया, वहाँ की जो मिलिट्री है उनके लगते हुई उनकी तादाद तकरीबन 66000 से ज्यादा बनती है। अफगानिस्तान के अंदर एकदम से जो हालात पैदा हुए हैं, जो अफगान हुकूमत है रेत की दीवार साबित हो गई, यकायक वहाँ हालात तब्दील हो गए और 15 अगस्त को तालिबान ने टेक ओवर किया, और जब से अब तक वहाँ पर गैर यकीनी सूरत हाल है। तकरीबन दुनिया के 60 से ज्यादा ममालिक ने तालिबान से ये रिक्वेस्ट की है कि उनके शहरियों को वहाँ से निकालने के लिए फिजाई सहूलत दी जाए, क्योंकि वहाँ पर ATC बंद हो चुका है, वहाँ पर फिजाई सहूलियात नहीं है। तो क्या कहेंगे आमर इस हवाले से, जो अफगानिस्तान के अंदर हमारे पड़ोस मुल्क के अंदर एकदम से जो सूरत हाल तब्दील हुई है, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी उसमें भी ये कहा गया था कि 6 माह लगेंगे, लेकिन यकायक जो है काबुल फॉल हुआ और उसके बाद की सूरत हाल पे आपका तबसरा किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई थिंक दो अहम पहलू हैं जिसपे हमें बात करनी चाहिए। अफगानिस्तान के हवाले से जब आप देखें तो जब अमेरिकन इनखला की बातें चल रही थी, वो आज की नहीं बल्कि आज से 1.5 साल पहले से अमेरिका ये प्लान कर रहा था कि किसी तरह से अफगानिस्तान से इनखला किया जाए, और उनको ग्राउंड पे डिफीट होता हुआ नजर आ रहा था, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिस पर हम बात करेंगे। दोहा जो टॉक्स हुई उसमें पता है कि आपको जो तालिबान थे उनको बुनियादी किरदार हासिल था, पाकिस्तान ने फैसिलिटेशन किया और अशरफ गनी की हुकूमत को ज्यादा बड़ा किरदार नहीं था, अलबत्त वो भी एक अहम स्टेक होल्डर के तौर पे वहां मौजूद थे। अब जो हालात थे वो ये थे कि जैसे आपने अदाद शुमार बता दिए कि तकरीबन 3.5 लाख अफगान नेशनल आर्मी को ट्रेन किया, उसके लिए तकरीबन 85 से 90 अरब डॉलर खर्च किए गए और उनको जदीद हथियारों से लैस किया गया। दूसरी तरफ आप तालिबान को देखें तो तालिबान के पास हार्डली 70 से 80 हजार के करीब मिलिशिया थे और उनके पास कोई इस तरह के जदीद हथियार भी मौजूद नहीं थे। तो अचानक ओवरनाइट क्या हुआ, ये बहुत अहम सवाल है, जबकि अफगान आर्मी वेल इक्विप्ड थी, उसके पास हथियार भी थे, उसके अलावा अनरिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेस थे, अशरफ गनी हुकूमत के पास पूरा बैकअप मौजूद था, और बज़ाहिर यही लगता था अगर तालिबान रेजिस्ट भी करेंगे तो इस हुकूमत के साथ रेजिस्टेंस करते करते उनको 5 से 6 महीने कम से कम लगेंगे, किसी खाने जंगी की सूरत हाल होगी और उसके बाद कोई सिचुएशन बन सकती है। लेकिन आपने देखा कि 7-8 दिनों के अंदर पूरा अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अपना गलबा हासिल कर लिया। अब इसके पीछे जो अहम मोरकात थे उसको समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में वो एंटर हुए, जैसे जो बाइडन की आप स्पीच देखे, उनके फॉरेन सेक्रेटरी की डिस्कशन से आप अंदाजा लगाए तो वो ये कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में कोई नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट लेके नहीं गए थे, बल्कि हम एक स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव के तहत थे और हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, अब हम वहां से विड्रॉ कर रहे हैं।
अब जो सूरत हाल है वो जाहिर बात है, एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ खुद जो है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कई दफा एतराफ किया कि हमने भाई 85 से 90 अरब डॉलर लगाए हैं और हमने अफगान, और जैसे आपने कहा कि ओवरऑल 20 सालों में $2 trillion बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये ब्राउन रिसर्च है। जी जी बिल्कुल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान, और फिर अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को सेट करने के लिए उन्होंने कहा कि हम एक नेशनल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। तो एक तरफ अमेरिका के ये दावे थे कि हम डेमोक्रेसी ला रहे हैं, दूसरी तरफ अब जब वो विड्रॉ कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसा सिलसिला नहीं किया। लेकिन ये बात जरूरी है समझना कि अमेरिका का जो इंपीरियल मोटिव था उसको अफगानिस्तान में भारत शिकस्त हो चुकी है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि तालिबान का जो एक उबार है वो क्या है। बेसिकली जो जो दो चीजें हैं, एक तो सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो है गनी हुकूमत की बहुत बड़ी बेताशा करप्शन। उस करप्शन के नतीजे में जो 85 to 90 billion dollars फौजियों पे खर्च होने थे, अब हालात ये थे कि महीने महीने तक फौजियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, 200-300 dollars पर मंथ के हिसाब से बहुत सारे सोल्जर लड़ रहे थे, तो उनको भी माशी तौर पे काफी हद तक जख पहुंचाई गया। दूसरी बात यह है कि ये जो आर्मी बनाई गई उसके अंदर कोई आइडियोलॉजिकल स्पिरिट मौजूद नहीं थी, और ये उन्होंने पैसे देके बनाया था, और जैसे जैसे अब तालिबान ने उनको टेक ओवर किया तो तालिबान ने उनको डॉलर भी ऑफर किए। और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, जब अमेरिकन फौजियों की प्रोटेक्शन की बात थी या उन गनी हुकूमत की, और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोटेक्शन के लिए तालिबान को इन्हीं पैसों से प्रोटेक्शन मनी देते थे, तालिबान ने वही मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो 350,000 जो अफगान फौजी थे उनको खरीदने के लिए इस्तेमाल किया, बड़ा स्मार्ट मूव किया और बहुत सारे उन्होंने सरेंडर कर लिया। एक बात है, दूसरी बात है कि तालिबान की जो अभी की लीडरशिप है वो थोड़ी सी मुल्ला उमर की लीडरशिप से काफी डिफरेंट है। मुल्ला उमर और उसके मदरसे के लोग थे, उनको ये लगा कि हम अफगानिस्तान के अंदर एक इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, बाकी सारे कुफार उनको शिकस्त देंगे। लेकिन जो अभी की लीडरशिप है इसने मुजाकरात में भी हिस्सा लिया, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, और इनको अंदाजा है कि हुकूमतें इस तरह नहीं बनती, लिहाजा इनमें एक रिकॉन्सिलिएटरी एटीट्यूड भी मौजूद है। इन्होंने, हमें यह लग रहा था कि शायद रशीद दोस्तम है या इस्माइल खान है या और वॉर लॉर्ड्स हैं वो रजिस्ट करेंगे, उनकी फौजें आएंगी, खाना जंगी होगी। आपने देखा इनके साथ भी उन्होंने मुज़ाकरात किए, पावर शेयरिंग का फॉर्मूला बनाया, नॉन पख्तून जितने भी एथनिक ग्रुप्स थे जिनको हम नॉर्दर्न अलायंस कहते थे एक जमाने में, उन सब के साथ उन्होंने मुज़ाकरात करके एक नेशनल गवर्नमेंट बनाने का मूव किया। जिसकी एक वजह यह है कि तालिबान को अभी लीडरशिप को ये एहसास है कि अगर हुकूमत बनानी है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर चलना होगा। तो मेरे ख्याल में ये वो मुहरिकात थे जिसने अमेरिकन जो ऑब्जेक्टिव थे उनको काफी जख पहुंचाया अफगानिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप ने और माइक पेंस ने भी क्रिटिसाइज किया है कि जो इन्होंने डेडलाइंस दी थी उसी पर अमल नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है कि साथ ही बोरिस जॉनसन को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अपोजिशन है वहाँ की, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है। दूसरी बात एक दिलचस्प ये भी कि अनस हक्कानी जो तालिबान लीडर हैं, इन्होंने आज अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो कि मुसालती काउंसिल के सरबराह भी हैं और नॉर्दर्न अलायंस को किसी हद तक रिप्रेजेंट भी करते हैं और जो दीगर जो फैक्शन हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या समझते हैं? इसके अलावा जो बाइडन ने भी ये बात कही है 2001 की तालिबान है उससे 2021 की तालिबान उन्हें थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आ रही है। वो ह्यूमन राइट्स की भी बात करते हैं, वो ख्वातीन को तालीम दिलाने की भी बात करते हैं, इसी तरह से इंसानी हकूक की पामाली को रोकने की भी बात करते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम आज की बात करें तो जलालाबाद के अंदर कुछ अफराद आए, उन्होंने अफगानिस्तान का जो नेशनल झंडा है वो लगाने की कोशिश की, तो तालिबान वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की जिसके नतीजे में 3 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और दर्जनों जख्मी हैं। तो ये एक तरह से आप क्या समझते हैं कि चूंकि इनके पास ये फाइटर फोर्स तो जरूर है लेकिन इनके पास कोई पॉलिटिकल विजन का होना और इसके साथ साथ मईशत को चलाने के लिए वो मैकेनिज्म इनके पास क्या आप समझते हैं कि मौजूद है? देखिए, इसमें दो अहम मामला थे। इन अंदरूनी तौर पे जो बड़ा चैलेंज होगा अफगानिस्तान के नई हुकूमत तालिबान की हुकूमत के लिए, तो वो ये है कि उनके जो फाइटर्स हैं मोस्टली वो हार्ड कोर जो है ना वो जिहादिस्ट हैं, हार्ड कोर नजरियाती वर्कर्स हैं और वो बगैर किसी बड़े मुआवजे के वो जहाद के लिए निकले हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू और जो उनके इंटरनेशनल नेगोशिएटर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू में काफी डिफरेंस है।
तालिबान की लीडरशिप और तालिबान का जो कारकुन है इस वक्त, उसके दरमियान जितना डिफरेंस अब है वो मुल्ला उमर के दौर में नहीं था। मतलब मुल्ला उमर का जो आइडियोलॉजी था और फाइटर्स की आइडियोलॉजी में कोई बड़ा फर्क नहीं था, लेकिन अभी इंक्रीजिंगली ये हुआ है कि तालिबान की जो लीडरशिप है वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ये हम रिकॉन्सिलेटरी मैकेनिज्म पे यकीन करते हैं, हम मुफाहमत भी करेंगे, लोगों के साथ हम डिस्कशन करेंगे। मसलन उन्होंने जो है अभी ऑफ कैमरा डिस्कशन इंडिया के साथ भी शुरू किया है, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस नेटवर्क के साथ भी इनके रबते हैं, ईरान के साथ भी है, और ममालिक जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। तो उनकी जो इंटरनेशनल जो नेटवर्किंग है डिप्लोमेटिक सर्कल से, उसमें वो ये मैसेज दे रहे हैं, लेकिन इंटरनली उनको पता है कि अगर उन्हें कोई हुकूमत बनानी है तो उनका हार्ड कोर वर्कर को नाराज नहीं किया जा सकता, फाइटर्स को नाराज नहीं कर सकते, बगावत को वो मुर्तकिब नहीं हो सकते। लिहाजा अंदरूनी तौर पर अब भी जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनके लिए एक स्ट्रिक्ट किस्म का शरीयत का रूल नाफिज करने की कोशिश की जाएगी, और साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को इंगेज करने की भी कोशिश की जाएगी। जो पॉलिटिकल जो रियल पॉलिटिक्स है उसकी तरफ अफगान लीडरशिप जाती हुई नजर आ रही है, और इसका खदशा यह है कि चूंकि आप देखें कि इसमें बहुत सारे जो है मुख्तलिफ अलायंसेस को शामिल किया गया है, इसके अंदर नॉर्दर्न अलायंस है, मुख्तलिफ वॉर लॉर्ड्स को भी, मतलब क्योंकि अफगानिस्तान का माशरा जो है एक बुनियादी तौर पर नेशनल स्टेट नहीं है, एक ट्राइबल माशरा है, तो यहाँ तमाम ट्राइबल जो एफिलिएशन है उनको लेकर चलना होता है। तो वो किस हद तक ये जो अलायंस है ये एक नेशनल बिल्डिंग के प्रोसेस में शामिल हो सकता है, क्योंकि अलायंसेस जो शामिल हुए हैं उनका इंटरेस्ट जाहिर बात है अफगान नेशनल बिल्डिंग तो नहीं है, वो अपने ट्राइब्स के या अपने जो एफिलिएट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, इख्तदार में अपनी शराकत का जो फार्मूला है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, और ये आसान नहीं होगा तालिबान के लिए एक नेशनल हुकूमत कायम करने के लिए। इंटरनेशनल फ्रंट पे जो चैलेंजेस हैं वो जाहिर बात है तालिबान का जो पहले वाला दौर था उस दौर से अभी ये दौर मुख्तलिफ है। यहाँ पे अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो भी काफी लूज हो चुका है। तालिबान अब एक ऐसे जो है वो फोर्स है जिसको चाइना भी इस्तेमाल करना चाहता है, चाइना भी उनके साथ डील करना चाहता है, रशिया ने, ईरान ने, सब ने जब ये एंटी अमेरिकन वो जो इनका सारा कैंपेन था तालिबान को उसको उन्होंने सपोर्ट किया, पहले ईरान ने सपोर्ट किया है डिस्पाइट द फैक्ट दैट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। तो अब जो है तालिबान एज ए स्टेक होल्डर है एक ग्रेट गेम के, उस ग्रेट गेम में अपने आप को वो कैसे पोजिशन करते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा आमिर, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर भी नॉर्दर्न अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, उनके मंदूब आए हैं, और गुज़िश्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी के साथ भी इनकी मुलाकातें हुई, और पाकिस्तानी हुकूमत भी ये चाहती है, और पाकिस्तान का भी जो हम जो चीज़ हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान ने भी खुलकर तालिबान की हिमायत नहीं की, बल्कि उन्होंने वो मौका अख्तियार किया जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किया है। तो पाकिस्तानी हुकूमत भी ये चाहती है कि किसी तरह से तमाम जो फैक्शंस हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर एक ऐसी हुकूमत कायम की जानी चाहिए जिससे पाकिस्तान का भी नुकसान ना हो, क्योंकि जाहिर बात है इससे पहले भी पाकिस्तान की जो एक्सपीरियंस है अगर उसको देखें तो जो 80 की दिहाई से जो पाकिस्तान के अंदर महाजरीन आते रहे तकरीबन 60 लाख से ज्यादा थे, आज भी 15 लाख के करीब वो महाजरीन मौजूद है जिनके पास POA कार्ड मौजूद है, और इसके अलावा 15 लाख वो महाजरीन है जो कि अनरजिस्टर्ड है, यानी कि 15 लाख UNHCR में रजिस्टर्ड है और 15 लाख अनरजिस्टर्ड है। अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी तरह से भी जो पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उसमें अगर ये वहां पर अंदरूनी सतह पर कोई खलफशार होती है जिसके नतीजे में अगर पाकिस्तान के अंदर ये आ जाते हैं तो पाकिस्तान रोक तो नहीं सकता है, जाहिर बात है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पाकिस्तान तो उनको लेगा, लेकिन पाकिस्तान की मईशत इस हालत में नहीं कि एक रिफ्यूजी एग्जोडस को या इनफ्लक्स को यहाँ पर जगह दें। तो ईरान ने भी अपने रिफ्यूजीज के हवाले से अपना सख्त मौकफ अपना के रखा है कि वो भी यही चाहता है, ईरान भी यही चाहता है कि अफगानी जो शहरी हैं वहाँ बतौर महाजिर नहीं जाए। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान की पोजीशन को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसमें 1996 के बाद जब तालिबान आए थे तो पाकिस्तान का बहुत तक तालिबान के ऊपर इन्फ्लुएंस मौजूद था, जो हमारे तारीखी हकायक हैं वो बताते हैं, और पाकिस्तान का अपना कंडक्ट था वो काफी उस हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता था। लेकिन अभी जो तालिबान है इनके ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इतना नहीं है।
एक तो आप देखें कि तालिबान ने जो बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की है उसके अंदर उन्होंने इंडिया को इंडिया के साथ दी, और उन्होंने इंडिया को ये पैगाम भी दिया है कि जो आपके इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे मिलियंस एंड बिलियंस के हम उनको वेलकम कहते हैं। मतलब एक एक तरह से मुफाहमती अमल वहां भी शुरू हुआ है, ईरान के साथ भी है। जहां तक पाकिस्तान की बात है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब भी ये समझती है कि अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो भी आएगा उसमें पाकिस्तान एक मेजर स्टेक होल्डर है। अब तारीखी तौर पे हम देखें तो पाकिस्तान को मुजाहिदीन का सपोर्ट करना और तालिबान का सपोर्ट करना एक स्ट्रेटजिक मोटिव था, सोवियत इन्वेजन को या सोवियत जो कंटेनमेंट पॉलिसी थी उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा लिया। फिर जो पख्तूनिस्तान का जो एक क्लासिकल मसला है जिसको अफगान हुकूमतें यूज करती रही, तो उसको भी तोड़ने के लिए इस्लामी जो आइडियोलॉजी है उसका पाकिस्तान ने सहारा लिया। अब जो है सूरत हाल ये है कि उसमें देखें 1980s में अमेरिकन जो जो इमदाद थी पाकिस्तान के लिए वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड थे, पैसे बहुत आए, अच्छा मुहाजरीन आए उनके लिए भी बहुत कफालत के लिए इंटरनेशनल जो है असिस्टेंस मौजूद रही पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी कोई बड़ा बोझ नहीं था। लेकिन अभी हालात डिफरेंट हैं। अब ईरान ने अपना सारा बॉर्डर सील कर लिया, पाकिस्तान का ड्यूरन लाइन का बहुत बड़ा एरिया है जिसको बंद करना या उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। एग्जोडस होगा, इमिग्रेशन मतलब जो जो आपके रिफ्यूजीज हैं वो पाकिस्तान में आएंगे और एक क्राइसिस की सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन जाहिर बात है इस वक्त जो है पाकिस्तान के खुद जो अंदरूनी तौर पर इतने मसाइल हैं, हमारी मईशत इतनी इस पोजीशन में नहीं है कि हम रिफ्यूजीज को बहुत हद तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं या अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस पैदा कर सकते हैं। हम अपने माशी मामलात में या अंदरूनी हालात हमारे इस बात की इजाजत नहीं देते कि हम अफगानिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बना सके। अलबत्त ये बात जरूर है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जब भी निगोशिएशन करेगी तालिबान के फ्यूचर गवर्नमेंट के साथ उसमें पाकिस्तान को शामिल किया जाएगा। बॉर्डर्स के वाले से आपने बात की आमिर, तकरीबन 97% बॉर्डर तो फेंस हो चुका है पाकिस्तान का, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान से कुछ दोस्तों ने, कुछ कॉमरेड्स ने हमें खबर पहुंचाई कि जो पॉमर स्ट्रिप है वो फेंस नहीं है, चंद फौजी हैं, मुझे बता रहे थे कि 8 से 10 फौजी हैं पाकिस्तानी गार्डिंग कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इनके अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है गिलगित बल्तिस्तान की जानिब तो ऐसे में उनको रोकने के लिए कोई इस तरह का हमारे पास वायबल सोल्यूशन तो मौजूद नहीं? देखें वैसे जो बॉर्डर फेंस भी हुआ ना तो उस बॉर्डर इतना पोरस है कि आप यहाँ पे मॉनिटरिंग करना मुश्किल है, सिर्फ फेंस काम नहीं करेगा, बाकायदा आपने डिप्लॉयमेंट करनी होती है। इतना बड़े बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल है। दूसरा जो गिलगित बल्तिस्तान का मामला है, यहाँ से जो आपके जहादिस्ट हैं या तालिबान के इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल है, रिफ्यूजीज यहाँ से नहीं आ सकते। अगर इस तरह का कोई इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन होगी तो उसके लिए पाकिस्तान को जरूर स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और खासकर सीपेक के हवाले से इस एरिया की इंपॉर्टेंस आपको पता है काफी बढ़ चुकी है रिसेंटली। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन गिलगित बल्तिस्तान से होगा, अगर क्योंकि एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए। पहले काम यह कि एक्सेप्टेंस जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जैसे अगर आपको केपी से या बलूचिस्तान के स्पिन बॉल्डिक्स से अगर इन्फिल्ट्रेशन होती है तो वहां पर पख्तून जो रीजन है वहां पर एक्सेप्टेंस मौजूद है, तालिबान वहां पर अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जो कम्युनिटीज है वहां पे आके वो लोगों के साथ मिलके अपनी एक्सेप्टेंस को या अपनी रिकॉग्निशन को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। एक तो कम्युनिटी लेवल पे वॉच को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा जो है वो जो मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है या मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसको भी इन्हांस करके वहाँ विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। हम सबकी ये ख्वाहिश है कि जाहिर बात है अफगानिस्तान एक कई दिहाइयों से जंग की हालत में है, जब अमेरिका ने रिजीम चेंज की बात की वहां पर तो उस तब भी ये गुज़िश्ता 20 सालों में हमें नजर नहीं आया कि अफगानिस्तान के अंदर कोई खातिरख्वाह तरक्की हुई है। अलबत्त कुछ सेगमेंट्स ने वहाँ करप्शन के जरिए से लूट मार की, हामिद करजे ने भी अपने दौर में बहुत ज्यादा उनके भाई बड़े करप्ट आदमी तस्वर किए जाते थे अफगानिस्तान के, तो अब ये अशरफ गनी की हुकूमत में भी करप्शन बेपनाह हुई है, तो ऐसे में एक आम आदमी को तरक्की के जो सम्राट थे वो ना मिल पाए, तो आगे आने वाले दिनों में क्या कहते हैं अमर, जो जिस तरह से पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की तरफ इस वक्त तालिबान जा रहे हैं, क्या आगे आने वाले चंद हफ्तों के अंदर कोई खाका आपको नजर आ रहा है, कोई हुकूमत की, कोई नेशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है?
देखें, करप्शन की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ न सिर्फ जो है करजई या अशरफ गनी की हुकूमत ने करप्शन की है, बल्कि सिविल सोसाइटी ने भी बहुत बड़ी करप्शन की है। 36 अरब डॉलर जो है एनजीओ, इंटरनेशनल एनजीओ ने वहां पे हथिया लिए हैं पिछले एक दहाई में, और उससे बड़े बड़े जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट स्टाफ थे उनकी सैलरीज गई हैं। लंदन, पेरिस और इंटरनेशनल जो वेस्टर्न कैपिटल्स है वहाँ के हेड ऑफिस की कॉस्ट भी इन्होंने उन्हें अफगानिस्तान के पैसे से उठाया है। तो ये भी एक करप्शन है जिसपे कभी बात नहीं हुई। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब ये सारा हो रहा था, रेजिस्टेंस होनी चाहिए थी, एक सिविल सोसाइटी मौजूद थी जिसको रेजिस्ट करना चाहिए था तालिबानाइजेशन को, लेकिन लगता है कि सिविल सोसाइटी जो है गनी की हुकूमत से पहले ही वो अपना बुरिया बिस्तरा समेट के वहां से जा चुकी थी। तो ये तो एक प्रॉब्लम है कि अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी खला मौजूद था, और उस सियासी खला के अंदर बुनियादी वजह मैं कहूँगा जिम्मेदार अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है, गनी की हुकूमत है, और फिर वहाँ के पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, इंपीरियलिज्म का एक खास चेहरा है कि उन्होंने वहाँ पे अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए पपेट हुकूमत कायम की, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जब वो जा रही थी हुकूमत तो कोई पॉपुलर सपोर्ट मौजूद नहीं थी, और साथ साथ अफगान लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली कोई मुतबादल मौजूद नहीं था, इसलिए उन्होंने तालिबान का जो आना था उसको ज़्यादा रजिस्ट नहीं किया। अलबत्त कुछ अहम चीज़ें हैं, काबुल यूनिवर्सिटी के सामने कुछ लड़कियों ने, खवातीन ने, स्टूडेंट्स ने प्ले कार्ड उठा के, तालिबान जब खड़े थे वहां पे उन्होंने कब्जा किया काबुल पे, तो आपके जो मर्द हजरात थे काबुल में अफगानी, वो जहाजों में भर भर के भागने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकन जो सपोर्टेड जो नेशनल आर्मी के जवान थे वो भी बिखर के भाग रहे थे, लेकिन इस रसना में कुछ खवातीन ने प्ले कार्ड उठा के अपनी जान को रिस्क पे डाल पर ये साबित कर दिया कि अगर जो हमारी नई नस्ल है अफगानिस्तान की, जो एजुकेटेड नस्ल है, उनको रूल करने के लिए तालिबान को नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये एक उम्मीद है कि हमारी जो अफगानिस्तान की नई नस्ल है, एजुकेटेड नस्ल है, जो सोशल मीडिया पे भी है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जानती है, वो उस तरह की जो मीडियवल हुकूमत थी अफगानिस्तान में 1990s में, उस तरह की हुकूमत बनने नहीं देगी, और यही उम्मीद हमें एक नए अफगानिस्तान की तरफ लेके जाती है। थैंक यू सो मच आमिर। दोस्तों यकीनन आपने एनालिसिस आमिर साहब के सुन लिए हैं, और हम सब की ये ख्वाहिश है, और हर पाकिस्तानी ये चाहता है, और हर अफगान ये चाहता है उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो, रियासत प्रोटेक्ट करे, और हुकूमत कोई भी हो, ख्वाह तालिबान की हुकूमत हो या नॉर्दर्न अलायंस की हुकूमत हो, अफगानिस्तान के अंदर एक बाहमी भाईचारगी से और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल को सामने रखते हुए अफगानिस्तान को आगे बढ़ाया जाए, और साथ ही जो तालिबान के अंदर वो फैक्शंस या वो फोर्सेस हैं जो कि थोड़ी बहुत सियासी शऊर रखते हैं और उनके पास थोड़ा पॉलिटिकल विजडम है, उनको चाहिए कि वो लोग जो कि हुकूमत साजी में या जो गवर्नेंस के हवाले से तजर्बा रखते हैं उनको शामिल करें, और अफगानिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में एक नेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करें, और एक ऐसी डेडलाइन दें जिसमें जिसके ज़रिए से अफगानिस्तान के अंदर एक जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए इंतखाबात हों, और उसके नतीजे में खाओ कोई भी फैक्शन या कोई भी सियासी जमात वहाँ पर अक्सरियत हासिल करती है तो उसको वहाँ पर हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए।